अच्छा, अपना राष्ट्रगान शुरू हो गया है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं वही शाम के 7:15 और मैं अभी सो के उठी हूँ। अब मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए तैयार होने। चलिए देखते हैं हर्षित क्या कर रहा है। लाइट जला ले। सी देखो कौन आने वाला है। आईपीएल शुरू हो चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी बोल के जीतेगा। अच्छा ये हमारे हस्बैंड के फेवरेट क्रिकेटर हैं। आईपीएल स्टार्ट हो चुका है और आज मेरा बहुत मन था मैच देखने का, लेकिन यार ऑफिस जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, चलते हैं ऑफिस। हाँ चलते हैं ऑफिस, कोई ऑप्शन नहीं है। अब सबसे बड़ा कष्ट है कि कपड़े क्या पहने जाए। चलो ढूंढते हैं कपड़े, पहनते हैं, चलते हैं ऑफिस। So, हमारे हर्षित जी कर रहे हैं। ये क्या है हर्षित? क्या पनीर? इसका क्या करने वाले हो? ट्राई करूंगा नॉर्मल। और क्या बनाया? अंडे की भुजी। सी गाइस, चलो मैं तैयार होती हूँ, ठीक है? In these things, I feel me very happy because sometimes ऐसा होता है ना कि आपकी नींद नहीं पूरी हो पाती है या आप काम नहीं कर पाते हो, but हर्षित जी के साथ ऐसा है ना कि अगर उन्होंने मुझे देख लिया है कि मैं सो रही हूँ और मेरी नींद नहीं पूरी हुई है और मैं नहीं उठ पा रही हूँ, तो he never ask me to wake up, always ही ऑलवेज ट्राई कि मैं हमेशा अपनी नीड कंप्लीट कर लूँ, मैं सो लूँ। और मुझे ये चीज़ के लिए ना मैं बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ। और बीइंग अ वाइफ सबको ऐसा होना चाहिए, मतलब सबके साथ ऐसा होना चाहिए, बट आई एम सो हैप्पी। और मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है। सो मैं रेडी हो लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो आज गाइस मैं ना स्क्रब करने जा रही हूँ। सो मैंने सोचा कि आज का मैं आप लोगों को रूटीन दिखा देती हूँ फेस के लिए। एक्चुअली हफ्ते में वही 2 से 3 बार तो आप कर ही सकते हो। तो आप लोगों को फेस वॉश पता ही है मेरा कि मैं कौन सा यूज कर रही हूँ। बायोटिक का नीम फेस वॉश है। बट अब गर्मी आ रही है ना, तो अब मैं जो फेस वॉश यूज करूंगी I
ये मेरी कहानी है। करना कुछ होता है, कर कुछ और रहती हूँ, भूल जाती हूँ। दिस इज दैट स्क्रब, एवर यू का स्क्रब है, ये कॉफी स्क्रब है और टैनिंग रिमूव करने में भी काम करता है। तो आप लोग इसको ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और एज अ बॉडी स्क्रब भी मैं इसको कई बार यूज़ कर लेती हूँ, काफ़ी अच्छा काम करता है। बॉडी स्क्रबिंग भी आपको कर लेनी चाहिए। अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो एटलीस्ट 10 दिन में तो एक बार कर ही लो यार, है ना। तो अच्छी अच्छी आदतें रहनी चाहिए। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, बोलो स्क्रब अच्छा है ये। सो मेरा ये डन हो चुका है, अब जस्ट चलते हैं और रेडी होते हैं ऑफिस के लिए और फिर आप लोगों से मिलते हैं। पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा ना इस समय सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि मैं यही डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि मुझे पहनना क्या है। ये वाली कुर्ती पहन के जाऊँगी अभी, ये जैसे भी दिख रही हो, बट ये पहनने के बाद मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था, हर्षित के एक दोस्त है मानक, उन्होंने दिया था और ये मैं हर्षित के लिए प्रेस करने वाली हूँ। तो चलिए फिर फटाफट प्रेस कर लेते हैं। ओ, बड़े अच्छे लगते हैं। पता है हर टाइम ऐसा होता है ना, मैं हर टाइम सिर्फ गाने ही गा रही होती हूँ। ये शायद मेरी मौसी की वजह से या किसकी वजह से मुझे आदत पड़ी है। मेरी मौसी भी जो थी ना, वो हर टाइम गाने गाया करती थी, थी नहीं मतलब है। सो आदतें अपने ही लोगों से आती हैं, तो मैं गाने गाती ही रहती हूँ। मतलब लाइक मैं ऐसा नहीं होता कि मैं कभी बोर हो जाऊँ। मुझे खुद की कंपनी यही सारी चीज़ों में अच्छी लगती है। मुझे लगता है लाइट की थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है ना, मैं लाइट खोल देती हूँ आई थिंक सो। हाँ अभी थोड़ा ठीक है यार, ये थोड़ा सा रूम में ना मुझे हो ही जाता है। इवन मैं है ना, मैंने प्रेस करना भी अपनी मौसी से ही सीखा है। वैसे एक्चुअल में ना जो ये प्रेस का काम है वो हर्षित करते हैं ज़्यादातर, और मैं इस समय खाना बना रही होती हूँ। लेकिन जिस दिन वो खाना बनाते हैं उस दिन उनका काम मैं करती हूँ, क्योंकि आज मुझे सो के उठने में लेट हो गया और आज वो बना रहे हैं खाना, तो आज प्रेस का काम मेरा है। तो ये हम कर देते हैं प्रेस। एंड हर्षित के ऊपर मुझे ना ये सब डार्क कलर ही अच्छे लगते हैं, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए डार्क कलर ही खरीदूँ। आज IPL है, आई डोंट नो कैसे मैनेज करेंगे वो। क्रिकेट बिना देखे तो उनसे रहा नहीं जाता है। आई बिलीव कि आज भी ये लोग ऑफिस में हर टाइम बस मैच में ही लगे रहेंगे। मैं थोड़ी सी ना सेल्फिश हो जाती हूँ मुझे होता है कि सारा टाइम मुझे मिले। सो कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिकेट जब ये देखते हैं ना, इवन आई लव क्रिकेट और मैं बचपन में मामा लोगों के साथ बहुत देखा करती थी, लेकिन जब अब इनके साथ देखने की बारी आती है तो मुझे लगता है अगर मैंने इनके साथ बैठ के देख लिया तो वो टाइम गया, फिर वो टाइम मुझे नहीं मिलने वाला। इवन क्रिकेट के लिए तो इनका क्रेज मैं क्या कहूँ। अगर इनकी तबीयत भी खराब है ना और क्रिकेट चल रहा होगा, कहीं खेलना होगा, ये अपनी तबीयत भी नहीं देखते हैं। शायद इसी को पैशन कहते हैं ना, इसी को पैशन कहते हैं। ये प्रेस मैंने ना, ये वाली प्रेस ये मैंने खरीदी थी यहीं
रिलायंस से, और रिलायंस में मुझे ऐसा लगता है ना सामान काफ़ी अच्छा मिल जाता है, रिलायंस डिजिटल से काफ़ी सामान मैं रिलायंस डिजिटल से ख़रीद के लाई हूँ। बट हाँ, मेरा जो टीवी, हाँ टीवी में मेरा रिलायंस डिजिटल का ही है, मैं वहीं से ही खरीद, अच्छा है टीवी काफ़ी। यू नो, मेरा और हर्षित का पहले से ही डिसाइडेड था कि हम जब भी टीवी लेंगे ना, मतलब हर्षित तो कहते थे कि ठीक है जो भी चलेगा, लेकिन मेरा डिसाइडेड था कि मैं जब टीवी लूँगी तो बड़ा ही टीवी लूँगी, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखनी जो मेरे पसंद की ना हो। सो मैंने जो टीवी लिया वो अपनी ही पसंद का लिया था। इस प्रेस की ये खासियत है कि एक ही स्ट्रोक में ना ये बहुत अच्छे से प्रेस कर देती है। इफ आपके पास इसमें स्टीम का भी ऑप्शन है, आप लोग स्टीम भी यूज कर सकते हो। हर्षित करते हैं, मैं तो यार नहीं कर पाती हूँ। इनका तो प्रेस हो चुका है, मैं इनको दे के आती हूँ। सो मैं अपना प्रेस कर लेती हूँ एंड देन इसको बी एड करके आप लोगों को दिखाऊंगी। मिलते हैं थोड़ी देर में। सो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ये कुर्ता अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। सो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं फेस का ही कर लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे हाथ साफ हैं। तो ये मेरा सिरम है, पिलग्रिम सिरम, और मैं इसको यूज़ करती हूँ, और सिर्फ एक्ने प्रोन स्किन के लिए ही है ये, तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों को भी मेरे जैसे एक्नेज आ रहे हैं तो। अदरवाइज आप लोगों की स्किन पे जो भी अच्छा जा रहा है वो यूज़ कीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ ना, घर पे सिरम अप्लाई कर लेती हूँ, है ना, और सिरम अप्लाई कर लेती हूँ, लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ, जो भी मुझे छोटी छोटी चीज़ें करनी होती हैं वो सब मैं कर लेती हूँ। एंड देन ऑफिस जाने के बाद अगर मुझे मेरा फेस डर्टी लगता है देन मैं क्या करती हूँ कि फेस को अच्छे से क्लियर कर लेती हूँ। एंड वहीं पे मैंने स्किन केयर के थोड़े बहुत प्रोडक्ट रखे हुए हैं तो वो मैं अप्लाई कर लेती हूँ फेस पे। मतलब मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा जो फेस है ना वो साफ रहे, बिकॉज ऑयली स्किन की वजह से क्लॉग प्रोस हो जाते हैं और उसकी वजह से आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है, एक्नेज हो जाता है। तो फेस को जितना क्लियर रखने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बाल वैसे काफ़ी कम गिर रहे हैं लेकिन मैं अभी तक आप लोगों को उस ऑयल का रिव्यू नहीं दे पाई हूँ। वही पर मैंने पिलग्रिम का अलग से रिव्यू नहीं दिया है, बट यहाँ भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को वहाँ पे इसका रिव्यू दे दूँ, तो मैं दे दूँगी जल्दी ही, ठीक है। ओ शिट शिट शिट, अपना राष्ट्रगान शुरू हो गया। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब सुपना में जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा धनगढ़ मंगल दायक, जय है भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सो ये मेरा हो चुका है एंड देन आई विल अप्लाई माय सिंदूर। मेरे पास यार क्या बोलूँ, ये मैंने इसको रखा था कि मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया करूंगी, इससे बिंदी हट गई है ना, बिंदी अप्लाई कर लेते हैं। पता है ये बॉक्स मेरे पास पता नहीं कितने ही सालों से है, आज मैंने सूट ही पहना है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लैक बिंदी लगाती हूँ
पीपल यूज टू से कि ब्लैक ये मत पहनो, ब्लैक वो मत पहनो, शादी के बाद ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। इवन जो मेरी मम्मी है वो भी ये सारी चीज़ें नहीं मानती हैं। शी नेवर डिनाई मी कि तुम ब्लैक कलर मत पहनो, ये कलर मत पहनो। सो ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत सही लगती है अपनी फैमिली की। ये लिपस्टिक जो है ये NYB की है और मेरे हिसाब से इसको एक साल होने वाला है, तो काफ़ी अच्छी है और आपके लिप को ना हमेशा आपके लिप का टेक्सचर जो है वो क्रीमी ही रखती है। ये आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से अप्लाई होगी, आप देख सकते हो मैच अभी भी चल रहा है। रेडी हो चुकी हूँ, अब जस्ट मैं वेट कर रही हूँ हर्षी जी का। मैंने अभी बाहर आके देखा, मैंने देखा वो भी तैयार नहीं हुए हैं, वो मैच में ही लगे हुए थे। सो उनको आने दो एंड तैयार होने दो, देन हम लोग निकलते हैं ऑफिस के लिए। जब एक्नेस सही हो जाते हैं ना मेरे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन ये जितने भी एक्नेस होते हैं ना यार, ये बहुत ज़्यादा पेन करते हैं पता है। इवन दे आर पेन और सब टाइप, तो ये पॉप आउट होके आ जाते हैं बाहर। हाँ टिफिन रख ले, ठीक है टिफिन। ये जो बैग है ना, ये मेरा पर्पल का बैग है, ये मैं वहीं से लेके आई थी सामान। हाँ क्या दिया? वो वहीं अंधेरे में कहीं गिर गया, मुझे पता नहीं। ये हर्षित जी ने दो दो चीज़ें बना दी हैं। सो मैं पैक करती हूँ एंड आप लोगों को यहीं पे रखती हूँ। ओ डब्बा तो इसी में है यार, धोना पड़ेगा। मेड वाला डब्बा नहीं लाई थी हमारा यार, ये तो मैं इसमें रख लूंगी। मैं पनीर किस में रखूं? सो यहाँ पे मेरा टिफिन रेडी हो चुका है, ये पनीर वाला और ये अंडा भुर्जी वाला। सो रखते हैं। हे बहुत क्यूट है ये बैग। चलो ये दो पराठे हमारे घर पे खा के जाने के लिए। सो अब हम लोग खाएंगे, इसको यहीं रख देते हैं। गाइज हम लोग निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। ये रहे हमारे वर्मा जी एंड देन आप लोग ये लुक देखिए। इस सूट मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी डिसेंट सा है, सिंपल है और ऑफिस के लिए काफ़ी अच्छा है। जो मिलते हैं आप लोगों से अगर पॉसिबल हुआ तो रास्ते में, अदरवाइज कल सुबह। बाय बाय गाइज। अभी हम लोग निकले हैं और एकदम से बारिश शुरू हो गई है। अभी बारिश नहीं हुई, लोगों को दिखाती हूँ कैसा हो रहा है बाहर। एंड वी आर जस्ट वेटिंग हेयर के थोड़ा बहुत पेड़ के नीचे है, थोड़ी सी बारिश रुक जाए, बट मुझे नहीं लगता हर्षित रुकने वाली है। देख रहे हो हवा के साथ आ रही है, अंदर नहीं आगे बढ़ते हैं, रुक जाएंगे कहीं। और ये बारिश रुकी नहीं तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और बारिश बहुत तेज हो रही है। और ये पता नहीं क्यों रोज इसी समय बारिश होती है जब भी ऑफिस निकलना रहता है। देख रहे हो आप लोग, तेज आ गई। एक और हम लोग अंदर आ गए है ना। साहब
बारिश जो है वो थोड़ी हल्की हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं। स्टिल अभी बंद नहीं हुई है। आई डोंट नो कि आज किस तरीके से मैनेज होगा। बस भगवान से यही गुजारिश है कि बारिश ज़्यादा तेज ना है और हम लोग भीगे ना, बिकॉज रात भर एसी चलता है ऑफिस में और हम नहीं चाहते कि तबीयत ख़राब हो। इतने दिन से खुद को किसी तरीके से बचा रहे थे कि बारिश रुक जाए तब भी निकले, लेकिन आज तो मुझे लगता है भगवान जी भी सोच रहे हैं कि भिगा ही दें। देख रहे हो मेरी, ये मेरी हालत हो रखी है। एक भी गीली नहीं है। आई थिंक यहाँ पे बारिश आने वाली है। काश ऐसे ही मौसम वहाँ भी होता तो कितना अच्छा होता ना। ये देखो आप लोग, सड़कें बिल्कुल भी गीली नहीं, एकदम सूखी हो गया। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। चलिए फिर पहुँचते हैं ऑफिस, मिलते हैं आप लोगों।